9 साल के बाद इंसाफ दिया है। मैं आप सबको कहती थी कि मुझे पूरा यकीन है अदलिया पर और अपने अपने लॉयर पर। मेरी दुआ है कि पाकिस्तान की कोई भी बेटी इस अजियत से ना गुजरे। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आप सब ने हमारा भरपूर साथ दिया, और इसका क्रेडिट बलक शेर खोसा साहब को जाता है जिन्होंने लॉफुल तरीके से केस के अंदर फूलों की खुशबू डाल दी। पॉलिटिशियन से मैंने कभी शादी करने के बारे में सोचा नहीं, और तो इसलिए मैंने कभी ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिली। मैं सारी एडवाइस जो हैं अपने लॉयर उनसे लेती हूं, और मेरी ज़िंदगी के तमाम फ़ैसलों में और जो भी मैं ज़िंदगी में फ्यूचर में जितनी भी प्लानिंग कर रही हूं, और मैं बलक शेर खोसा साहब के मशवरे से कर रही हूं, और इनके मशवरे से मैं आगे बढ़ रही हूं ज़िंदगी में। आज ये मीडिया पे ही पता लगा है कि कोर्ट ने क्या फैसला दिया है, और अभी तो मैंने पढ़ा भी नहीं, अभी तो कोर्ट में गया भी नहीं हूँ, तो मैं जाके देखूँगा और फैसले को पढ़ूँगा। लेकिन अगर जिस तरह मुझे अभी पता लगा कि तमाम की तमाम जो एप्लीकेशन थी, जो मुतफरक दरख्वास्त दी गई थी इस केस में अतीकुर रहमान की तरफ से, वो कोर्ट ने टोटल उनको जो है वो डिसमिस कर दिया है, उनको कुल अदम जो है वो कर दिया है कि ये एप्लीकेशन तमाम की तमाम फ्रिवोलस हैं, और बिल्कुल यही फैसला मुतवक्को था। उसका रीज़न ये है कि कानून की जब बात हम करते हैं तो पहले कानून आएगा, पहले लॉ आएगा, उसके बाद जाके फैक्चुअल पोजीशन आएगी। सो जब कानून को हम देखते हैं तो कानून की निगाह से जब हम कोई चीज़ देखते हैं तो उसके रिजल्ट्स भी ऐसे ही आते हैं जो आज की केस में आए हैं। देखिए, इनको शादी से कोई रोक नहीं सकता, ठीक है, क्यों नहीं रोक सकता, ये आपका कुरान पाक में बड़ा वाज़े लिखा हुआ है। आपके अल्लाह पाक ने आयात के थ्रू हमें एक डिक्लेरेशन दे दिया है औरत के हवाले से। ये उसका मजहबी राइट है कि वो अपने माँ बाप की मर्ज़ी से जहाँ चाहे शादी कर सकती है, और इस पर हमारा इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी औरतों को फंडामेंटल राइट्स देता है।